नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दरअसल मुद्दे वही हैं, चर्चा करने का तरीका बदल गया है। हमने नियमों में चंद बदलाव किए हैं, यानी कि टीवी के डिबेट्स में रोक टोक खत्म कर दिया है हमने। एक चैट रूम हमने बनाया है जहां पर एक मुद्दा हम देते हैं, हमारे तमाम खास मेहमान आते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से चर्चा करते हैं। वो चर्चा किस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते बहस का रूप ले लेती है, ये उन पर निर्भर है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, वही देखना होगा, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देख रहा है टीवी इतिहास का सबसे अनोखा और अलबेला शो है। इस शो में कोई एंकर नहीं है और बिना किसी रोक टोक हर मेहमान को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। मेहमानों को अपनी बात रखने के लिए हमने एक खास चैट रूम बनाया है जिसकी हर हलचल पर रहेगी जनता की सीधी नजर। इस शो में हमने 18 कैमरों का इस्तेमाल किया है ताकि बातचीत का हर पहलू आप तक सीधे सीधे पहुंचा सके। हमारे आज के मेहमान हैं अलका लांबा, विधायक आम आदमी पार्टी, दीप्ति रावत भारद्वाज, नेता बीजेपी, निष्ठा गौतम, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, मधु किश्वर, प्रोफेसर CSDS, रागिनी नायक, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, काजल श्रीवास्तव, मॉडल। वेलकम। हेलो। चलो जी, आ गए। तो अच्छी एंट्री हो गई। हाँ। रीटेक की जरूरत नहीं पड़ी। रीटेक नहीं करना पड़ा। एक्चुअली क्या है, मैंने कहा ये बड़ा वो लग रहा है कि मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, आई कम, मैं पीछे से आती हूँ, आप स्टार्ट रखिएगा। हाँ। ये अकेले क्यों करवा रहे हैं, दो लोग साथ में आ जाते वॉक करके तो ज़्यादा बेटर था। हाँ, बात करते हुए हाँ, आ जाते हाँ, कि नेचुरल हाँ, नेचुरल थोड़ा सा लगता। तो आप ही शुरू करिएगा, बेटर रहेगा, है ना, एक अच्छी सही दिशा में डिबेट चलती रहेगी। बातचीत है, डिबेट है ही नहीं, बातचीत है, डिस्कशन है एक घंटे का। पहले तो इसी पे राय कर ले कि एक प्रश्न पहले, आप क्या सोचती हैं, आप क्या सोचती हैं, वो कहेंगे मे बी 50-50 है, मुझे लगेगा बिल्कुल ही नहीं है, या फिर हाँ वो भी, लेट्स सी। मैंने वो कहा ना, हम सुरक्षित नहीं, हमने अपना को सुरक्षित रखा हुआ है। हेलो, हेलो, हाय, वेलकम। आपके लिए ये फिर ठीक रहता है? हाँ, आप इधर है, आई टोल्ड द कैमरा पर्सन दैट आई वॉक लाइक अ गुंडा, देयर इज नो वे दैट आई कैन वॉक वेरी सोफिस्टिकेटेड। जो हमारी पीछे प्रोफाइल दिखा रहे थे, हमारा जब हम वॉक कर रहे हैं अंदर तक आने तक हमारे बारे में ही चल रहा है वो, बाद में पता क्या क्या बताया मुझे इन्होंने, सामाजिक कार्यकर्ता का। अरे आप कह दीजिए, कह चुके हैं यार, ये हिंदी वाले खास कर नहीं समझते, आप लिख के दे दीजिए दैट दिस इज हाउ आई वांट टू बी इंट्रोड्यूस्ड। नहीं, लेकिन ये पोस्ट प्रोडक्शन चेंज कर सकते हो शायद। हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन एडिट कर सकते हैं इजीली, उनका जो इंट्रोडक्शन है ये तो एस्टन वगैरह तो बाद में ही बनके वो करेंगे, कैप्शंस बाद में ही कर दी। नहीं, हाय एवरीवन, हेलो, हाय, आई एम काजल एंड आई एम अ मॉडल बाय प्रोफेशन। हाय दीप्ति, प्लेजर मीटिंग यू काजल, आई एम रागिनी। हाय, नाइस मीटिंग यू रागिनी। आई एम निष्ठा, आई डिडंट गेट योर नेम मैम, मधु किश्वर, एंड यू आर? आई एम निष्ठा, महिलाएं।
चर्चा शुरू की जाए। ओके लेट्स वेलकम ईच अदर, क्योंकि हमें और तो कोई वेलकम करने वाला है नहीं। आपस में ही एक दूसरे को हेलो। तो आज का टॉपिक हमें जो चर्चा के लिए दिया गया है वो क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। तो पहले तो इसी पे राय ले ली जाए। हाँ, आप मुझे मुझे मैं मुझे लगता है कि महिला सुरक्षा का मामला उनकी समानता और सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ अगर हम सुरक्षा पे बात करेंगे तो बहुत सारे पहलू ऐसा मुझे लगता है कि छूट जाएंगे। क्या इस समाज में पुरुष सुरक्षित है? बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर जिस समाज में पुरुष भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते तो महिला की तो बात ही नहीं होनी चाहिए उस बारे में। तो ये सोचना कि महिलाओं के लिए कोई अलग सुरक्षित स्पेस बनेगी, कोई अलग से साइलो बनेगा, नहीं ऐसा तो होने वाला नहीं। जस्ट गो अराउंड। अलका आप क्या कहना चाहेंगे कि महिला सुरक्षा को लेकर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है किसी भी एज ग्रुप की महिला हो आज इस देश में सुरक्षित नहीं है। हाँ, अब उनके कारण क्यों सुरक्षित नहीं है उस पे चर्चा। मुझे चीज लगती है इसमें हम सबसे पहले ये यहाँ से शुरू कर लें एक बार कि हम क्या समझते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं। और अगर हिसाब से तो इंडिया में बिल्कुल भी कोई भी सेफ्टी नहीं है वुमेन्स के लिए। अगर देखा जाए भले वो दिन हो रात हो लेट नाइट हो कुछ भी हो, नो वन इज सेफ हियर, आई डोंट थिंक सो। नहीं, और देखिए मुझे लगता है कि ये शुरुआत ही इस बात से होनी चाहिए कि महिला बनाम पुरुष ना हो। बिल्कुल, मैन वर्सेस वुमन। मधु जी ने जो बात कही मुझे एक बात उसमें ये लगी, उन्होंने कहा कि सेपरेट स्पेस वो नहीं होना चाहिए। आज इस चर्चा में सारी महिलाएं हैं, उससे भी कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद ओनस महिलाओं की सुरक्षा का महिलाओं के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है, महिला पुरुष सामाजिक गाड़ी के दो पहिए हैं, समान रूप से सुरक्षित हो, समान रूप से गतिवान हो, तो समान रूप से स्वच्छंद हवा में सांस ले, लेकिन इस वक्त महिलाएं जो हैं उनका दोयम दर्जा है, ये मानना पड़ेगा। ये तो है, और शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी कि महिलाएं और भी कम सुरक्षित हैं घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आप जब दोयम दर्जे की बात करती हैं रागिनी, तो मेरा मान लीजिए हो सकता है कि आपका और आपके घर में पिता या पति के प्रति आपका द्वयम दर्जा हो, पर जो सड़क पे साइकिल रिक्शा, नहीं नहीं सुनिए, मैं नहीं कह रही, बात समझने की तो कोशिश कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ तक सेफ्टी की बात है, सेफ्टी इज इनडिविजिबल। कोई भी समाज जहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, ऐसा समाज हो ही नहीं सकता कि उसके साथ साथ बाकी सब सुरक्षित। जो एक इनडिविजिबिलिटी है सुरक्षा की, उसको अगर हम मद्देनजर नहीं देखेंगे। मुझे लगता है सुरक्षा को भी आप एक बार हम सब परिभाषित करें। नहीं नहीं, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी की भी बात कर सकते हैं, आप फिजिकल सिक्योरिटी जिसमें मॉलेस्टेशन रेप अगर हम बात लें तो आप पुरुषों का रेप होते हुए नहीं पाएंगे कि होता है, और उसके बाद वो भी होता है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, लेकिन अनुपात में लगाएंगे लेकिन तो नहीं, आप करने वाले कौन है, वो भी पुरुष ही नहीं। प्लीज, एक तो मुझे ये भी लगता है कि उसको साइमल्टेनियस फ्लो रखे, कोई एंकर की भूमिका भी ना इसमें निभाए। मैं केवल एक चीज ये बोलना चाहती हूँ कि एक तो जहाँ जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। इसको अगर हम रेलिगेट कर देंगे, क्योंकि अब हम देखिए 6 महिलाएं बैठ के बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाले के दिमाग में, जैसा रागिनी ने और ये बात हुई थी कि महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाएं ही बात कर लें, इसको महिलाएं ही आपस में सॉर्ट आउट कर लें, और पुरुष अपना पीछे से ऑडियंस में अपना बैठ के देखते रहे, वो चीयर लीडर वाला जो एक हिसाब किताब है वो बन जाए, और बाकी जो गेम है वो हम खेलते रहे, और इनको चलो इनको स्पेस दे दो, इनको एक प्रेशर कुकर सिचुएशन में सेफ्टी वॉल्व दे दो कि भाई महिलाएं अपना लड़ाई झगड़ा करके एक तरफ हो जाए, और पुरुष की जो एक भूमिका है महिला सुरक्षा के प्रति वो थोड़ा सा नीचे हो जाए। देखिए मुझे इस पे एक चीज लगती है, मधु जी अभी आपने ये कहा कि हम जैसे जो रिक्शे वाला है उसके साथ हम, या ऑटो रिक्शे वाला है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि अगर आप देखें कि वो रिक्शे वाला एक नहीं है, वो 5 रिक्शे वाले हैं, और आप अकेले हैं या मैं अकेली हूँ, तो आप देखिए कि वहाँ पे आपको कैसी इनसिक्योरिटी महसूस होती है। ये है सेफ्टी की बात, ये हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम उस वक्त सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे जब वो 5 होंगे। हम सुरक्षित, हम बात यही सुरक्षा और असुरक्षा की हो रही है कि ये जो भारतीय समाज है यहाँ पर मानसिकता क्यों ऐसी है, मानसिकता क्यों है। इनकी बात नहीं जोड़ूंगी, सिर्फ रिक्शा नहीं, मैंने तो
बहुत बार ऐसा देखा कि दिल्ली में ऑटो रिक्शा में भी आप जा रहे हैं और जो रियर व्यू मिरर में ऑटो रिक्शा वाला आपको ऊपर से नीचे तक कैसे देखता रहेगा, आप अकेली बैठी हैं, वो भी अकेला है, टैक्सी में जा रहे तो भी आप नहीं सुरक्षित महसूस करते हैं। किसी का भी नाम लिया जाए, इवन अपने शरीर को लेकर चिंता रहती है पूरे समय। कि हम सब ये फील करती है, हम सब या देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है या महसूस। मैं पिछले 8 साल से ड्राइव कर रही हूं दिल्ली में और मैं ड्राइव करते हुए भी अपने आप को बिल्कुल सेफ नहीं समझती हूं, क्योंकि कार में अंदर बैठने के बाद भी लोग कार के अंदर ही होते हैं आपके साथ, क्योंकि वो आपको ऐसे देख रहे होते हैं रेड लाइट पर। एग्जैक्टली, वो आपको ऐसे चेकआउट कर रहे होते हैं अच्छे से कि बस वो अपनी आंखों से ही रेप कर देते हैं। इट इज ऑलमोस्ट देयर। सो आई फील मैं तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें मैं लेट नाइट बाहर रहती हूँ और लेट नाइट ड्राइव भी करती हूँ। So I feel कि safe तो खैर कुछ भी नहीं है, इसके लिए एक punishment होनी चाहिए। आप late night जब बाहर जाती है तो we just want to know कि आप क्या करती हैं जो आपको अपने आपको safe feel कराने के लिए, क्या क्या कदम आप उठाती हैं? If I'm wearing something short, I prefer wearing a scarf on it, कि मैं स्कार्फ पहनूँ उसके ऊपर अपने आपको कवर करूँ, सो दैट कि अट्रैक्शन किसी को ना इतना ज़्यादा, आपको तो पता ही है मेंटालिटी इंडियन आदमियों की इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है अभी, स्पेशली मूवीज और ये सब चीज़ें और देखकर और करप्ट हो गई है। और क्या करती हैं आप? यही कर सकती हूँ अभी तो फिलहाल। आई ट्राई टू पुट चीक्स ऑन माई विंडो, मैं थोड़ा कवर करती हूँ अपने शीशों को कि ताकि वो लोग अंदर ना देख पाए। नहीं देखिए, मुझे दो तीन चीज़ें इसमें लगती हैं। पहले तो सुरक्षा, जैसा मैंने पहले कहा कि सुरक्षा को एक व्यापक दृष्टि से देखना पड़ेगा। अभी आपने जो बात कही वो एक व्यक्तिगत अनुभव है कि आप मॉडल हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा ही है, लेकिन सुरक्षा घर के अंदर भी नहीं है। हमने देखा दिल्ली में तो जब शीला जी की सरकार थी तब हमने जो सर्वे करवाया था उनमें बहुत हाई परसेंटेज जो थी वो घर के अंदर ही मॉलेस्टेशन बलात्कार में हम लोग घरेलू हिंसा कानून मैं बात पूरी कर बिल्कुल। और उसके बाद जब हम बाहर देखते हैं तो आप जब खाली सड़क है तो भी आपको डर लगता है, भीड़ में आप नहीं जा सकते तो वहां भी डर लगता है। फिर यहाँ पर एक स्पेशियल सेग्रीगेशन भी है कि आप सुबह निकलती हैं तो आप ठीक हैं, अच्छी हैं, भली महिला हैं, एक सूरज डूबने के बाद आपके चरित्र को लेकर भी आपकी सुरक्षा वो आपस में कुछ घालमेल हो जाता है। तो मतलब मैंने तो ये सुना था कि भाई जो आप जब आपको कोई नहीं देख रहा है तो आप क्या करते हैं वो आपके चरित्र को निर्धारित करता है, लेकिन महिलाओं के साथ बिल्कुल उल्टा है। Exactly. आपने क्या पहना है, आप कितने बजे घर से निकली, आप अकेले निकली या 10 लोगों के साथ निकली, ये आपके चरित्र को निर्धारित करता है। और अभी तो जो संस्कृति मंत्री जी ने तो ये भी कह दिया कि जो रात को बाहर लड़कियां निकलती हैं वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। लगता है निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की अगर हम चर्चा करें कि क्या सिफारिशें आई, क्या नए कानून आए, उन महिलाओं को जानकारी दे जो हमें सुन रहा है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम बार बार हमने उस टाइम जब आम आदमी पार्टी भी आई तो ये कहा गया कि कमांडो फोर्स, एक महिला कमांडो फोर्स जैसा कुछ बनेगा और महिलाएं यहाँ सुरक्षित होंगी। तो इस तरीके के वादे जब हम करते हैं तो क्या सचमुच जब महिलाएं यहाँ रह रही हैं तो क्या वो सुरक्षित आजकल आज की डेट में वो महसूस करती हैं? अगर आप सरकार के प्रयासों की बात करोगे, क्योंकि आप 6 लोगों में मैं ही हूँ जो सरकार में हूँ, जिसकी सरकार दिल्ली में, और दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे तो मैं एक वो भी जानकारी दे देंगी कि केंद्र में जो है वो सरकार देश की में महिलाओं की सुरक्षा को क्या कर रही है, क्योंकि मुद्दा देश की महिलाओं का है। लेकिन दिल्ली के तौर पर कहें तो आज हमने 6 महीने में 7 महीने में बिल्कुल प्रयास किए, कुछ आपसे भी प्रयास हम लोग जानेंगे और क्या प्रयास हो सकते हैं। 1500 महिलाएं हमारी जो मार्शल है वो नियुक्त हो चुकी हैं, 200 DTC बसेस में हम लोगों ने CCTV कैमरा लगा दिए हैं। अगर और भी सुझाव हो उसका स्वागत है। कन्या भ्रूण हत्या को लेकर जो टेस्ट होते थे लिंग टेस्ट अनुपात का, उस पर हम लोगों ने 1 लाख रुपए तक का, हॉस्पिटल में अगर कोई कर्मचारी भी इसकी जानकारी देता है कि हाँ लिंग अनुपात टेस्ट होता है तो 1 लाख रुपए का इनाम है हम लोगों की, पहली 1 लाख रुपए उसको दिया जाएगा, नहीं इनाम भी दिया जाएगा, फाइन तो है, ये लाइसेंस रद्द होगा, लेकिन जो सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का उसको इनाम मिलेगा जो सूचना देने वाला शख्स है। उसके बाद आपकी DTC बसों में पहली महिला DTC बस चलाने, क्योंकि लगता है महिलाओं को लीक से हटके क्या कर सकते हैं, घर शादी बच्चे, इसके अलावा भी महिलाएं आज दिल्ली में एक DTC बस में महिला चला रही है। 32 महिलाओं का ई रिक्शा लोन लेने में मदद की, उन्हें सशक्त किया, आज 30 महिलाएं जो है ई रिक्शा ड्राइवर है और हमारे 3 मेट्रो स्टेशन 10-10 महिलाएं ई रिक्शा। सो इंपावरमेंट की बात है कि कैसे ताकत दी जाए, ये बहुत छोटी किताब है, पॉकेट की किताब है। अगर हम अपना मेकअप का सामान रखें तो मुझे लगता है उसके साथ ये भी जरूर हर महिला रखे कि निर्भया के बाद क्या हेल्पलाइन नंबर कहीं फंस जाओ तो कहां फोन करूं, किसको फोन करूं,
एफआईआर दर्ज नहीं हो तो किसके पास जाऊं? महिला आयोग है दिल्ली ब्यूरो, राष्ट्रीय महिला आयोग है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर जानकारी आपका हथियार है आप उसका आपने चार बार कांग्रेस का नाम ले लिया और ये भी याद रखिए आप लोग दिल्ली में जीरो और केंद्र से बाहर हो गए हैं। आपने आपने किया निर्भया आपके टाइम पर हुआ और देश ने बुराई की और आपको बाहर किया और मैं उन्हीं के दिल्ली देश के साथ खड़ी आपसे सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। इनके पास कुछ नहीं है, देश में महिला सुरक्षा को लेकर क्या हो रहा है आप हमें जानकारी क्या बोलेगा? माफ कीजिए, वही लग रहा था कि इतनी देर से कोई विरोध नहीं कर रहा था एक दूसरे का, अब शुरू हुआ कि छोटी किताब दिखाई वो रखने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सबसे बड़ा वादा ये था कि एक वन पॉइंट को बोलने दीजिए, आपके पास कुछ बोलने की इनको बोलने दीजिए। आपने रुकिए, बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार पे हम सुनना चाहते हैं। मुझे अपनी बात तो कहनी है, मैं इस पर एक बात कहूंगी, आप निर्विरोध तरीके से बोल चीजें हैं, आप बोलने नहीं लेना चाह रही हैं, जो केंद्र सरकार ने लेके आई है या जो अभी हमारे होम मिनिस्टर ने और साथ में सीपी ने उन्होंने एक टच बटन एप्लीकेशन एक लॉन्च किया कि महिलाओं को इन केस ऑफ इमरजेंसी वो सीधे वो एप्लीकेशन वो बजर बटन को प्रेस हिम्मत पुलिस ने किया, वही है अलग से कुछ है ये वही है जो वही है जो दिल्ली पुलिस ने किया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव, मुझे लग रहा है बहुत लड़कियों ने इसे डाउनलोड भी किया और आप अपील भी करिए हिम्मत एप्लीकेशन। दूसरी चीज मोदी जी ने एक मानसिकता जिसकी मैं बार बार आपसे बात कर रही हूं, जिसको समझने में बहुत बदलने में बहुत समय लगेगा लेकिन वो बदलने की कोशिश जरूर करी है समाज में। जब वो गुजरात में थे तब भी उनका जो एक पर्सनल फंड होता था जो मुख्यमंत्री को बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं तो उसके बाद वो उसकी ऑक्शन हमेशा मैंने उनसे पर्सनली क्योंकि ये सवाल किया था एक बार तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो मेरे पर्सनल जो मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं कहीं जाते हैं मोमेंटोज मिल जाते हैं शॉल मिलते हैं उनकी वो ऑक्शन करके उसके पास जो पैसा आता है उसको वो लड़कियों की पढ़ाई के लिए इस लेवल पे कोई आदमी अगर लड़कियों की पढ़ाई के लिए लगाते हैं अच्छा संदेश जाता है। दो तीन सजेशंस मेरे हैं, एक पर मुझे दो सजेशंस मेरे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने सेल्फी विद डॉटर किया कि अगर हमारे पास एक बेटी है तो भाई हमें प्राइड होना चाहिए। पंचायत ने शुरू किया था हरियाणा के, वो हमें वहां से बहुत अच्छी बात है लेकिन उसका बड़ा रूप किसने दिया? नहीं देखिए मुझे भी बहुत अच्छी बात है, दो तीन सजेशंस हैं, दो तीन सजेशंस हैं। एक तो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सारी चीजें जो केंद्र सरकार और जब प्रधानमंत्री खुद लाल किले से बोलते हैं इसका मैसेज जाता है। सुन लीजिए, दो काम दिए एक जबान दिए भगवान ने। देखिए एक बहुत बड़ा प्रपोजल था जो मेनका जी के डिपार्टमेंट में है जो कि वन स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर के बारे में है जिसमें ये था कि हर तरीके की लीगल असिस्टेंस भी अगर किसी तरीके का मेडिकल असिस्टेंस चाहिए पुलिस का असिस्टेंस चाहिए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर डिसाइड किया गया था कि वो देश में भी होंगे। इस पे कुछ खास कार्रवाई अभी केंद्र की तरफ से हुई नहीं है और ऐसा ही रेप क्राइसिस सेंटर क्योंकि आप सत्ता में हैं कांग्रेस पार्टी जीरो है और बाकी तीन है आपने तीन चार बार बता दिया तो आप भी इसी तरीके का कोई इनिशिएटिव लें वो बहुत अच्छा होगा। एक हम लोग इनिशिएटिव लिया है और जब बताते हैं मैं पूरा आप लोगों को मिर्ची लगती है कि मैं बता के प्रचार कर रहा हूं। सजेशन था कि दिल्ली सरकार के मैनिफेस्टो में भी है कि वन एक मोबाइल में डिस्ट्रेस बटन होगा जिसको दबाते ही हर तरीके की सुविधा मिल जाएगी, वो हुआ नहीं। मुझे याद है कि जब हम यूनिवर्सिटी में भी थे जब हम ऑफिस बैरर थे डूसू में तो हम लोगों ने ईव टीजिंग ड्राइव चलाई तो वहां पर मोस्टली यूनिवर्सिटी में एंटी टीजिंग ड्राइव चलाई तो वहां पे मोस्टली ऐसे केसेस थे आप लगाइए यूनिवर्सिटी में और हमने बहुत सारे कुछ ऐसे लोगों को भी लिया जो खुद यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड थे प्रोफेसर थे प्रिंसिपल से कनेक्शन क्योंकि मैं और दीप्ति लगभग एक ही समय पर स्टूडेंट एक्टिविज्म में थे। जब ये एंटी टीजिंग ड्राइव चली तो पुलिस ने जो पोस्टर निकाले मैं वो भी बताना चाहूंगी उसमें लिखा था गर्ल्स शुड नॉट वेयर प्रोवोकेटिव क्लोथ्स गर्ल शुड ऑलवेज कैरी अ पेपर स्प्रे गर्ल शुड नॉट मूव आउट इन अ नॉट सो वेल लिट एरिया आपकी ही जिम्मेदारी है समाज की पुलिस की कोई नहीं है बिल्कुल सेल्फ डिफेंस को भी गर्ल्स को मिनिमलिज्म जो है हमें अपना सेल्फ डिफेंस भी सीखना है तो ये चीज है। और ये यहाँ पे मैं एक चीज लाना चाहूंगी ये मैं क्योंकि यहाँ आने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करके आई थी और ये अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो महिलाएं जो जो हैंडीकैप्ड हैं या जो कुछ है दे आर एट मच ग्रेटर रिस्क
ऑफ सेक्सुअल वायलेंस और फिजिकल वायलेंस. तो जहाँ पे हमने ये एबलिस्ट अप्रोच ले ली कि भाई सेल्फ डिफेंस क्लासेस लड़कियों को दे दो, पेपर स्प्रे आप रखो, तो यहाँ तो स्टेट, लेकिन कितने मॉन्स्ट्रस गैंगरेप हो रहे हैं, 15-15 लोग पकड़ के घसीट के ले जा रहे हैं. इस पर मैं चीज कहूंगी कि हम कह रहे हैं कि बाहर ये होता है, ऑफिसेज में ये होता है, वर्क प्लेस पे होता है, ये चीज हर जगह है, एवरीवेयर मोलेस्टेशन होता है, घर पर भी होता है. लेकिन एक चीज पूरी करूंगी, लेकिन जो फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटिसाइड होता है वो क्या, वो तो उस फीमेल फीटिसाइड में तो उस लड़की को आने ही नहीं दिया जा रहा है समाज में. अब देखिए उसके बाद बोलना तो मुझे पड़ेगा. घरेलू हिंसा जब सोमनाथ भारती जी वाला वाक्या हुआ तो उसमें बहुत सारे नेताओं का बयान ऐसा आया कि घरेलू हिंसा घर का मामला है, चार दीवारी के अंदर जो हो रहा है वो पति पत्नी के बीच की बात है. लेकिन वायलेंस इज वायलेंस. आप किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मेरा हक है, मैं पति हूँ और मैं अपनी पत्नी को पीट भी लेता हूँ, तो ठीक है चलेगा, ये हमारे आप रागनी जिनकी सोच थी वो 2005 से सोचती थी. सुरक्षा का मुद्दा घर के अंदर भी है, घर के बाहर भी है, ये वायलेंस का मामला जो है, जो हमने बहुत ज्यादा हाई तौबा का माहौल बना लिया है. जैसे औरतों के साथ कुछ और होता ही नहीं समाज में, केवल पिटती हैं, केवल दुर्गति सहती हैं. मुझे लगता है ये जो नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग हम अपने बारे में कर रही हैं, अगर हम खुद ही जो हम बैठे हैं हम यहाँ पे अपने अपने निजी जीवन भी देखें, तो मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ पिटती आई हैं, हम सिर्फ कुचली. नहीं, एक मिनट प्लीज रागिनी, आई डिडंट इंटरप्ट, क्योंकि ये जो विक्टिमहुड का कॉम्प्लेक्स ये न्यू फेमिनिज्म दे रही है, अगर आप देखें पुरानी हमारे जो 19वीं शताब्दी के विमेंस रिफॉर्म मूवमेंट हुए या फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, वहाँ विक्टिमहुड से ज़्यादा शक्ति, यू हैव द पावर, यू डो, यू नॉट वीक. और ये जो हम हर वक्त हाय तौबा का माहौल बना रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो विक्टिमहुड की जिसके अंदर भी भावना घर कर जाती है, दैट पर्सन बिकम्स ईजी विक्टिम. जैसे बॉडी लैंग्वेज ही आपकी, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये कम्युनिकेशन है कि यू लैक कॉन्फिडेंस, यू एक्सपेक्ट टू बी अटैक, आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बॉडी स्पेस के बारे में, इस बात से तो ज्यादा चांसेस हैं. पर अगर मैं तो इतना छोटा साइज और मतलब आप देखें 20 किलो जब मैं कम थी, आई वॉज टूथपिक साइज, तो फिर भी मैं तो अपने अनुभव से कॉन्फिडेंस, ये नहीं कि कभी कोई हद से नहीं हुए, सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ, बहुत वो सब झेलना पड़ा और बहुत सभ्य समाज द्वारा जो मेरे कॉलीग्स या दोस्त जो बहुत सोफिस्टिकेटेड अपने आप को प्रोग्रेसिव समझते हैं, उनके द्वारा जितना शायद उतना मुझे सड़कों पे नहीं झेलना पड़ा. परंतु अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज में और आपके डीलिंग्स में, मेरा तो अनुभव यह कहता है कि इस समाज में एक विशेषता है कि जो औरत पुरुष से नहीं डरती उससे पूरा समाज डर जाता है. जो आंख में आंख मिला के अगर आप पुरुषों से बात करते हैं तो उनकी नजरें झुकेंगी आपको. ये तभी है जब हम, ये हमें तो इक्वालिटी चाहिए, ये जो रोना धोना, यू डोंट ट्रीट अस लाइक ह्यूमन बीइंग, तो उससे क्या है कि हम खुद को इतना डिमोरलाइज, खुद को नहीं, नॉट यू एंड मी, बट औरतों को हम इतना डिमोरलाइज कर देते. सबसे बड़ी बात विशाखा गाइडलाइन, अगर किसी को जानकारी नहीं, आज जानकारी देने की जरूरत है, विशाखा गाइडलाइन के तहत सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे आपकी कमेटियां होनी चाहिए. अगर ऐसा कुछ हम उसमें काम करें, वुमेन आइदर एज अ गॉडेस और एज अ प्रोस्टिट्यूट. एग्जैक्टली, ये जो बाइनरीज में, ये जो बाइनरीज जो हमने बना दी, आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान ये करती है. जो आपने गॉडेस और स्लट, यस, दो ही तरीके की महिलाएं हैं समाज की बात करी थी इसमें, कि सुबह महिला जा रही है साड़ी पहन के, हम चारों लोग साड़ी पहने हुए हैं, ये मॉडल है, कोई हमें देखेगा तो एकदम से जो दिमाग में इमेज आएगी, अच्छा ये बड़ी चरित्रवान लड़कियां हैं, ये तो पता नहीं. मथुरा रेप केस की अगर हम जब बात करें, उसमें भी यही था. उसमें क्या, जो जो लोअर कोर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई ये तो प्रोमिस्कुअस अगर वुमन है, अगर इसका पहले भी शारीरिक संबंध रहा है, तो अब इसका रेप कैसे हो सकता है. फिर हालांकि उसके विरोध में बहुत सारी पूरी मूवमेंट ही खड़ी हुई, सारी चीजें हुई, लेकिन आज भी वो सोच है. और अब मुझे लगता है थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशन पे, बिल्कुल सरकारें क्या करेंगी, क्या नहीं किया, क्या वादे थे और आगे किस तरीके से उनको पूरा करना चाहिए, मुझे लगता है इस पर भी बात होनी चाहिए. एक जरूरी सूचना, आज का मुद्दा है
कितनी सुरक्षित है महिलाएं? हम अपने सम्मानित मेहमानों को इसी मुद्दे पर कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। रेप ने किया और चार को नाम रखा दिया, अब चार को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। लड़कियां कब फ्री फील करेंगी, यू नो सेफ फील करेंगी, सिक्योर फील करेंगी, हम सब सोचते हैं। थोड़ी बात थोड़ी सी बात बात पता पड़ जाता है कौन फर्जी है कौन सही है। ये इंपॉर्टेंट बात है। वाइट जो सफेद वाइट चमड़ा है, कोई नाइजेरियन लेडीज से ब्याह किए होते हैं, गोरी चमड़ा नाम था तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? जब मानसिकता नहीं बदलेगी, जिस तरह से हम महिलाओं को देखेंगे नहीं, ये जो विकृत एक तरह की हमारी मानसिकता है उसको नहीं बदलेंगे, कुछ नहीं होगा। मधु जी, ये बात साफ है कि ये जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता है महिलाओं के ऊपर जो कमेंट लेता है, मुझे लगता है डिबेट होती है एंड देन खत्म हो जाता है और फिर एक बार फिर उस पे महिला के ऊपर होकर वो वहीं खत्म हो जाता है। आई थिंक इनको एक्शन लिया जाता नहीं है। आप विशाखा गाइडलाइंस की बात कर रही थी और बहुत सही है कि हर इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो दो तीन ऐसी बड़ी संस्थाओं में रही भी हूँ सरकारी और देखा कि तमाशा बनती है, परंतु पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है। और सबसे ज्यादा इतिहास में, जैसे मैंने कहा कि पुलिस थानों में महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है। नेक्स्ट, लड़कियों में कौन यहाँ पर रिएक्ट करना चाहेगा, कौन सबसे मजबूत लग रही है इनमें? जो आप बोलना चाहती हैं, माइक कहाँ है, वहाँ तक पहुँचा। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि जिस तरह से नेताओं की बयानबाजी, अभी जैसा कि विजुअल्स आपने दिखाया, नेताओं की बयानबाजी सामने आ रही, क्या उसमें जो हमारी जो महिला गेस्ट बैठी हुई हैं, मतलब ये सिर्फ बातों की फुलझड़ी लग रही है या फिर इसमें कुछ एक्शन भी लिया जाएगा महिलाओं के लिए? क्या ऐसे कोई नियम कानून बने, क्योंकि नेता तो बना देते हैं नियम कानून, लेकिन क्या उस पर कोई एक्शन लिया जाता है क्या? कभी आप जो महिला सुरक्षा को जो नंबर आप एक कहते हैं सुरक्षा का, महिलाओं की सुरक्षा का एक टोल फ्री नंबर है या जो भी नंबर है, आप उसे कभी आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आपने बयानों पर जिक्र करते हैं, क्या उन बयानों को देने पर कोई कार्रवाई? बिल्कुल, जिस तरह से बयान आ रहे महिलाओं के, क्या उस पर कोई कार्रवाई ली जाती है? संविधान और कानून का कि उसमें धाराएं पढ़नी होंगी, उसमें अलग जिक्र होता है और संसद के भीतर दिया गया बयान है, वो संसद के भीतर ही निंदा हो सकती है उसकी। कोई लड़की लड़कियों में से कोई ऐसा बताना चाहेगा और सबसे स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है इन सब में? मैम, मेरे अकॉर्डिंग मिस मधु मैम जो है वो राइट है, बिकॉज शी इज द वन हु इज लाइक नॉट वांटिंग मेन टू एक्ट but women to be strong enough to fight everything, like we have reservation systems for everyone, for every woman. Metro has a reservation system, ladies ke liye seat alag ho jaye, sab kuch ho jaye, why women cannot stand and fight for themselves? Why do always men need to act over there? जब सोमनाथ भारती का केस होता है, आप बताइए, जब ये पता चलता है कि नहीं नहीं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है, चार बार सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में एक भी महिला नहीं है, दिल्ली के कैबिनेट में एक भी महिला नहीं है, और आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पूरे देश में महिलाएं जुड़ी? आप पहले ये बताइए कि इतने सारे लोग पार्टी छोड़, क्या सोमनाथ भारती के मुद्दे पर चर्चा सही है महिलाओं के मुद्दे को लेकर? यस मैम, ये एप्लीकेशन, ये रेप क्राइसिस सेंटर बहुत ज़रूरी हैं, होने चाहिए। इस बात को बिना नकारे बिना काटे मैं दूसरी ओर ध्यान देना चाहूँगी कि हमारे देश में यह असुरक्षा का माहौल दो वजह से अगर फैल रहा है, एक तो कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी बहुत निकम्मी है और हमारे थाने किसी के लिए काम नहीं करते, तो मैं दूसरा, इसका मतलब पुलिस रिफॉर्म्स का काम महिलाओं को आगे बढ़कर, मैंने कभी नहीं देखा कि इस इशू पे महिलाओं ने वाकई आगे बढ़कर, जिस प्रकार ऑंग सॉन्ग सूची अपने पूरे समाज को लीड कर रही है, सही बात है। तो इसी किस्म से पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स पे जिस दिन महिलाएं अग्रसर भूमिका निभाने लगी, तो फिर अपने आप पुरुषों को आप सुरक्षा देने का काम करेंगे। दूसरी बात, पर ये क्या, दूसरी बात छोटा सा जोड़ दूं, क्या ये इतना अपने आप स्वतः हो सकता है? रागिनी, यू डोंट लाइक व्हेन पीपल इंटरप्ट यू, सो प्लीज, आई एम जस्ट एडिंग अ क्वेश्चन, मैं उनको दूसरा तो कर, दूसरा दूसरा हमें इस पे भी ध्यान देना होगा कि इस देश में बहुत बड़े पैमाने पर
एक लुम्पन आर्मी या नौजवानों की खड़ी हो रही है। हम कहते तो हैं यूथ डिविडेंड ये वो वगैरह, परंतु हमारी स्कूली शिक्षा ऐसी नालायक है, आठवीं फेल, नौवीं नापास, दसवीं ड्रॉप आउट, ये जो है पूरी ब्रिगेड मेल एजुकेटेड, पुराने पेशे परिवार के उन्होंने छोड़ दिए हैं क्योंकि उसमें उनको कुछ भविष्य दिखता नहीं, हाँ चाहे किसान का कोई बेटा या किसी कारीगर का बेटा, अब वो दसवीं ना फेल भी है तब भी उसको जो एस्पिरेशन है वो मीट नहीं होती, और दूसरी ओर मीडिया उसको बहुत चकाचौंध कर रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ जो ये जो फौज लुम्पन फौज हमारी स्कूली शिक्षा का फेलियर तैयार कर रहा है, इसकी ओर भी महिलाओं को बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पुरुष ऐसे करेंगे आप ये तो बताइए महिला सुरक्षा के पीछे ये भी एक कारण है। मैं आपसे लुम्पनाइजेशन ऑफ यूथ है वो इस जी अल्का अल्का कहते हैं इसको मेन व्हाट इज द कोर्स करेक्शन हाउ आर वी गोइंग टू रेप ओवर एक्सपोजर, इसको हम कहना चाहिए हमको ओवर एक्सपोजर ऑफ मीडिया एंड एट द wrong age I don't agree. को चलाने में केंद्र मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दिखाती मुझे लगता तो आज दिल्ली के हालात ही कुछ और होते हैं, जितना अलका लांबा जी यहाँ पार्टनरशिप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप पार्टनरशिप जो पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि थानों में महिलाओं की तादाद बढ़नी चाहिए, नहीं नहीं रिफॉर्म तो बहुत बेसिक होना पड़ेगा, वही मैं कह रहा हूं, सिर्फ तादाद बढ़ाने से नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है उसमें लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, पुअर ट्रेनिंग है, आज आप महिला भी थाने में बैठी है अगर पुअरली ट्रेन्ड है, इन्वेस्टिगेशन की कोई तहकीकात के तहजीब नहीं है, कैसे लिखना है कंप्लेंट वो भी नहीं, और जेंडर सेंसिटाइजेशन हम लोग आपने जो सुझाव दिया पुलिस नहीं बोली उसमें पुलिस को क्या करना चाहिए सरकार प्लीज पे हीड हूएवर हैज गवर्नमेंट वेयरएवर। नाउ हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बात कर रहे हैं कि सेंसिटाइजेशन पुलिस रिफॉर्म्स 2012 के जो प्रोटेस्ट थे उसमें सबसे ज्यादा बात जुडिशियल एंड पुलिस रिफॉर्म्स की हुई थी, इसीलिए जस्टिस वर्मा कमेटी अपॉइंट हुई थी और वो प्रेशर ग्रुप्स थे तो तब काफ़ी रिफॉर्म्स आए थे। दूसरी चीज़ ठीक है सेंसिटाइजेशन और वो सारा चीज़ें वो एक इनटैंजिबल चीज़ है, ठीक है वो सामने देखने में आपको लग रहा है कि बंदा रिफॉर्म है सेंसिटाइज्ड है, इट इज़ अन इनटैंजिबल, इट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। जो चीज़ क्वांटिफाई हो सकती है जो दिखती है, दिल्ली में केवल एक फॉरेंसिक लैब है, रेप अगर होता है या कुछ भी होता है सैंपल आप भेजेंगे इट इज़ सो पुअरली इक्विप्ड वहाँ पे, इसीलिए डिलेज होते हैं, इसीलिए एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर हो भी जाती है तो कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है क्योंकि सैंपल वो जो गया है वो ढंग से जांच नहीं हो पा रही है, उसमें टाइम लग रहा है। आरुषि के सबसे बड़ी चीज अभी तलवार आई है, इट वॉज बॉच्ड अप बिकॉज देयर वर नो रिसोर्सेज, तो ये केवल महिला की सुरक्षा केवल एक रेप या वो सब नहीं है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। पॉइंट इज यू हैव अ पुलिस व्हिच डजंट यूज इट्स लॉज इन अ जुडिशियस मैनर। और आपने साथ में ड्रकोनियन लॉ अगर एड प्रोविजन कर दिया जिसपे कंप्लेंट भर से व्यक्ति जेल में जा सकता है, उससे सुरक्षा बढ़ने रही, एक प्रेजिडिस एक बैकलैश भी बढ़ेगा अगर आपके लॉज जुडिशियसली क्राफ्टेड नहीं है, ये मैं कह रही हूँ, और पुलिस और आपकी जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर रही, एक ही काम हम करने जा रहे हैं। एक चीज मुझे बताइए जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा ये समाज और सरकार को जोड़ता हुआ सवाल है, सोशल अवेयरनेस और जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए सरकारें किस तरह के इनिशिएटिव उठा सकती है, मतलब मैं यहाँ पर कानून बनाने तक सीमित नहीं करना चाहती, जहां तक मुझे याद है शीला जी की सरकार में एक आवाज अभियान चला था जिसको तत्कालीन आम आदमी पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। मधु जी मुझे लगता है क्या इस तरीके से अभियान और चल सकते हैं, बात कर रहे हम लोग बेहतर रहेगा जो हमारी जीबी रोड पे जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर बात करें, समाज में पूरी चर्चा में और आरडब्ल्यूए पूरी चर्चा में इनका जो है पॉलिटिक्स की वजह से दोनों की बात को जोड़ के मैं कह रही हूं जीबी रोड में भी हमारी महिला बहने हैं, हमारी एसिड अटैक विक्टिम महिला जिसकी पूरी चर्चा में कहीं जिक्र ही नहीं आया है, सवाल मैंने बिकॉज़ इनको राजनीतिक पॉइंट बनाने के लिए ऐसी महिलाओं को सरकार महिला सशक्त
सशक्तिकरण के लिए कुछ कर सकते आज हैं। अगर आप सुझाव नहीं जानना चाहती हैं वो आपकी मर्जी है। जैसे को ही आपकी सरकार के बारे में आज तक मीटिंग नहीं हुई एंटी ट्रैफिकिंग को आप बार बार कह रही थी जो रागिनी की बात से जुड़ रहा है। भाषण देने के लिए तैयार है विक्टिम महिलाओं को लेकर हम कितनी चिंतित है कितनी चर्चा की वो भी देखेंगी तो शायद एक उम्मीद रखेंगी कि महिलाएं बैठी है तो एसिड अटैक विक्टिम को लेकर गंभीरता से हमने कुछ चर्चा या रास्ते दिखाए होंगे। जीबी रोड में भी बहुत सी महिलाएं हैं जो ट्रैफिकिंग के माध्यम से लाई जा रही हैं। हमने उन पे एक बात नहीं की। हमें लगता है कि वो जो थोड़ा सा ये भी लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, हम पॉलिसी इंटरवेंशन क्या कर सकती है ये भी देखना पड़ेगा। एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन, अगर हम सुरक्षा वाकई चाहते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी हो और साथ में सिटीजन गवर्नमेंट पार्टनरशिप अच्छा सुनो कैसे सिनर्जाइज हो, सिटीजन एनर्जी एंड सरकारी एनर्जी ये सिनर्जाइज होना, तो मुझे लगता है सबसे पहले एक काम अगर हम करें, आप क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं यू कैन प्ले अ लीड रोल इन इट, कि हर मोहल्ले की सुरक्षा जो थाना सिर्फ नहीं करे, थाने में सिटीजन कमेटी हो और सिटीजन पुलिस केरला में 6 महीने में 1000 बलात्कार दिल्ली में हो गए, सब कुछ सही चल रहा है केरला में। इनके टाइम पे कमेटी थी अब है दिल्ली और काम हो रहा है, इसलिए फालतू की बात मत करिए। आई एम सेइंग केरला में ये एक्सपेरिमेंट काफी सीरियसली चला और बहुत अच्छे नतीजे आए। अभी वो बेंगलोर में भी शुरू हुआ है एक इंसिपिएंट स्टेज पे। इसमें पार्टी के बात न लाते हुए ये एक डिमांड, और अगर उन महिला उन थानों में सिटीजन्स जो कमिटीज बने उसमें अगर महिलाएं लीड रोल करें, एक तो बहुत सी महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं टाइम भी निकाल सकती हैं, तो ये जो सिटीजन पुलिसिंग हो मुझे लगता है कि अपने मोहल्ले की कम जानकारी के लिए दे रही हूँ। ये कमेटियां सिर्फ थाना कमेटी नहीं, स्कूलों में भी कमेटियां बनाई गई हैं क्योंकि बहुत से स्कूलों में बच्चियों के साथ भी हो रहा है, तो हम लोगों का पूरी स्कूल कमेटियां तक बनाया गया है। इफ हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस ये तय कर लें हमारा मोहल्ला जीरो टॉलरेंस फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड जीरो टॉलरेंस फॉर पुलिस हैरेसमेंट, हम अपने इलाके में ये कम से कम नहीं हो। छोटे छोटे हिंदुस्तान को अगर आप इस तरह हिस्सों में बांट के सिटीजन पार्टिसिपेशन को समाज और सरकार का साझा सरोकार है और साझी जिम्मेदारी है, इस बात पर मुझे लगता है हमें खत्म करना चाहिए। ईमानदारी के साथ ना कर दे तो अच्छा, आप क्या ना बोले क्या मैसेज समय नहीं है। देखिए एक मुझे लगता है कि समाज की भूमिका हम केवल समाज पे नहीं छोड़ सकते। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप कहते हैं हमने एक बड़ा अभियान चलाया और वो उसकी जिम्मेदारी जैसे स्वच्छ भारत अभियान की लोगों की है, अब लोग सफाई करेंगे तो स्वच्छ होगा वरना नहीं होगा, वरना वो एक टोकनिज्म फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह जाएगा। ऐसे ही महिला सशक्तिकरण अगर आप केवल लोगों पर छोड़ देंगे तो नहीं होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है। देखिए लास्ट में यही है कि महिलाओं को हिम्मत बनाकर रखना है, ये लड़ाई बहुत लंबी है और हम सबको हिम्मत के साथ लड़ना है और आगे बढ़ते रहना है, ये सब चलता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है निहाल चंद का अरेस्ट होना, सोमनाथ भारती के खिलाफ एक्शन होना, ये बड़े संदेश हैं जो जाने चाहिए जनता। एक चीज मैं इस पर कहना चाहूंगी, और पॉलिटिकली मोटिवेटेड अपॉइंटमेंट ना हो जैसा कि दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन में हुआ है। यहाँ होता है वो पहली बार क्यों रह रहे हैं आप, देखिए इस इशू में कुछ बोला ही नहीं पूरे सिस्टम का दर्द अभी तक तो मुझे लगा 6 महीने में मलहम लग गई होगी और उसके बाद आप ये चाहेंगे कि महिलाओं का हौसला बड़े हर पार्टी ने किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये चर्चा खत्म हुई है, हालांकि पक्ष इसमें कई निकल कर आए, सिर्फ दो पक्ष नहीं थे बल्कि 3 तरह की राय यहां पर सुनने को मिल रही थी, और यहां पर जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं सबकी अपनी राय थी कि कौन किससे सहमत है। खैर जिस तरह की बातें निकली हैं उम्मीद है उन पर अमल भी हो, उम्मीद है उन्हें जो समाज है वो अपने सरोकार के हिसाब से समझ सके जज्ब कर सके। आज के लिए हमारी इस पेशकश में इतना ही, लेकिन हम इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ऊपर वाला देखता रहेगा और ऊपर वाले की देखरेख में इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी, बेरोक टोक बेझिझक बेबाक। उम्मीद है इस सब में से हम भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल कर अपने लिए जरूर ले जाएं। आज के लिए दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।